कोई बताए या ना बताए, ऐसी बातें छुपती नहीं है। ऐसे में यही सोचकर कि बिना बाप के बच्चे का भविष्य बन जाएगा और कुंती की जिंदगी से कुंवारी माँ का दाग हमेशा के लिए मिट जाएगा, मैंने कर्ण को गोद दे दिया। तुम ये सब बताने क्यों आई मुझे यहाँ? पहले भी आई थी, लेकिन पता चला तुम अपने कंपाउंडर के शादी में गए हो। गजेंद्र, कुंती करण के लिए बहुत तड़प रही है, वो उसे वापस पाने की चाहत रखती है। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन अब मेरे समझाने का उस पर कोई असर नहीं होने वाला। तो तुम ये उम्मीद लेकर आई हो कि मैं उसे समझाऊंगी? अरे कभी तो उसके खातिर अपना फर्ज अदा करो। उसके लिए कुछ करूं जो मेरी नाक काट कर चली गई? मेरी करवाल को और मत बढ़ाओ तुम, मेरे पास इन फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। अपनी बेटी तुम्हारे लिए फालतू हो गई और वो कंपाउंडर, उसकी शादी में जाने की फुर्सत है तुम्हें? मैं अपनी जिंदगी में जो कुछ करूं उसके लिए मैं किसी का जवाब दे नहीं हूं, तो तुम कौन होती मुझसे सवाल करने वाली? गजेंद्र, कुंती की जिंदगी से वो बीते दिनों का काला साया मिट चुका है, अगर तुम चाहो तो फिर एक नई जिंदगी जी सकती है। उसने अपनी जिंदगी हमेशा अपने हिसाब से जी है, मैं उसका कोई नहीं, मुझसे उसका कोई मतलब नहीं। तुम जाओ यहां से। एक बार अगर तुम कुंती से मिल, सुना नहीं तुमने? जाओ यहां से, बात सुन लिया, बहुत बात कर ली, निकलो यहां से चुपचाप, मेरे गुस्से का मत बढ़ाओ। कभी कभी हालात इंसान को दो राय पे लाकर खड़ा कर देते हैं, उसे पता ही नहीं चलता है कि जो उसने किया है वो सही है या गलत। ये तुम किसके बारे में बात कर रही हो? सरला दीदी, क्या उन्हें पता था कि कर्ण को मिस्टर एंड मिसेस ऑलिवर के हवाले करके वो सबके लिए बुरी बन जाएंगे? उन्होंने काम ही गलत किया। क्या मतलब? किसी माँ की गोद उजाड़ देना कोई अच्छी बात है? कुंती के दिल पर क्या गुजर रही है माँ ही समझ सकती है। मुझे तो डर था कि कुंती कर्ण की जुदाई में कहीं पागल ना हो जाए। और अगर कर्ण को मिस्टर एंड मिसेस ओलिवर के हवाले ना किया जाता तो क्या कुंती उसका भविष्य बना सकती थी? क्या उसे वो एक अच्छी जिंदगी दे पाती? क्या गरीब बच्चे अपनी माँ बाप के साए में पलकर अच्छा भविष्य नहीं पा सकते? पा सकते थे, पर लेकिन माँ बाप के साए में। लेकिन यहाँ तो बाप का पता ही नहीं है, और वैसे भी आश्रम के कुछ अपने ही कायदे और कानून होते हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी होता है। माँ की ममता अंधी होती है, वो औलाद के सामने सारे नियम भूल जाती है। रमा, याद करो वो दिन जब तुम्हारे बेटे को किसी को गोद दे दिया गया था, कैसे तड़पी थी, कैसे रोई थी। अब तो जैसे मेरे आंखों से आंसू सूख ही गए हो। कभी कभी जब मेरी ममता तड़प उठती है तो अपने ही बच्चे के खिलौने से अपना दिल बहला लेती हूँ। बहलाना तो पड़ता है रमा, और उसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते। वो तो अच्छा हुआ इस आश्रम में आश्रय मिल गया, वरना ना जाने कहाँ कहाँ भटकना पड़ता। इसलिए मैंने अपनी बेटी के जाने का मातम भी नहीं मनाया। लेकिन ये सच है, जब कुंती अपने बेटे के लिए तड़पती है तो मेरी भी ममता तड़प उठती है। मैं छुप छुप के रोती हूं। यहां कोई आंसू पोंछने वाला भी तो नहीं? हम सबकी कहानी एक ही है, और जानती हो इस कहानी के जन्मदाता कौन है? मर्द।
बिल्कुल मुझे गलत मत समझ, मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। मैं मां न बनी तो क्या, लेकिन मां के दर्द को समझ सकती हूँ। मैं जब भी तुम्हारी आंखों में आंसू देखती हूँ तो मेरा कलेजा फटने लगता है। जिंदगी बहुत लंबी है बेटी, कल को अगर कोई तुम्हारी तरफ उंगली उठाए तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। सरला दीदी, मैं ये देखने आई थी कि तुम लोग सो के नहीं। सरला दीदी, मैंने पहले कभी आपको रोते हुए नहीं देखा, आज पहली बार मैंने आपकी आंखों में आंसू देखे। बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन रोक ना सकी। एक औरत होने के नाते मैं कुंती के दर्द को समझ सकती, लेकिन क्या करूं, मेरी मजबूरी है। मजबूरी? कैसी मजबूरी सरला दीदी? इस आश्रम के नियमों ने मुझे मजबूर कर दिया। एक मां को अपने बेटे से अलग कर दिया, शायद ये मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। दीदी, जब आपके दिल में कुंती के लिए इतनी दया थी तो क्यों किया आपने ऐसा? ये आश्रम में पहली बार तो नहीं हुआ, तुम्हारी भी तो बेटी गई है, तुम भी तो एक माँ हो। हाँ, मैं भी एक माँ हूं, लेकिन एक कमजोर माँ। मैं उसका भार नहीं उठा सकती थी, इसलिए मैंने अपने सीने पर पत्थर रख लिया। लेकिन कुंती ऐसी माँ नहीं, वो कर्ण को नहीं भुला पाएगी। लेकिन विधाता के लिखे को कौन मिटा सकता है? अब कुंती को जीवन भर कर्ण की जुदाई में आंसू बहाने होंगे और उसके आंसुओं की एक एक बूंद की कीमत मुझे चुकानी होगी। मन, मन क्या बात है? तुम जब से वहां से लौटकर आए हो इस तरह चुपचाप और परेशान क्यों हो? क्या बाबूजी ने मना कर दिया? नहीं। फिर क्या बात है, इस तरह खामोश क्यों बैठे हो? मन, क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे नहीं बताना चाहते? नहीं पुष्पा, ऐसी कोई बात नहीं। अपने ऐसी कोई बात होगी तो सबसे पहले तुम ही बताऊंगा। तो फिर बताओ ना, बाबूजी से क्या बात हुई? बात तो तब होती जब मैं उनसे मिलता। क्या मतलब, तुम बिना मिले बिना बात किए वापस चले आए? मन, तुम्हें किस बात का डर है जो तुम उनका सामना नहीं करना चाहते? डर किस बात का? मन, जब तुम उनसे मिलने और बात करने गए थे तो मिल के आना चाहिए था ना। वो ये हुआ पुष्पा की जब मैं वहां पहुंचा तो वहां कोई गेस्ट आए हुए थे बाबूजी के पास, वो बात कर रहे थे, बस इसलिए मैं अंदर नहीं गया। मतलब तुम बाहर से ही वापस आ गए? और क्या करता पुष्पा, मैं वहां खड़ा बाबूजी की बातें सुन रहा था। उनकी बातें सुनकर मुझे लगा कि
उस वक्त उनसे मिलना ठीक नहीं है, बहुत परेशान से लग रहे थे। उन्हें क्या परेशानी हो सकती है मन? भगवान ना करे ऐसी परेशानी का सामना किसी को करना पड़े। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि बाबूजी ने इतना सब कुछ बर्दाश्त कैसे कर लिया। लेकिन हुआ क्या तुम ये तो बताओ। पुष्पा बाबूजी की इकलौती बेटी है, उसी को लेकर बहुत परेशान है। क्या हुआ उनकी बेटी को? ऐसा कुछ हुआ जिसके बारे में बाबूजी ने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया। मेरा ख्याल है उनकी लड़की घर से भाग गई। क्या? हाँ सुना है उसने शादी कर ली है और शायद माँ बाप भी भूल गई है, मुझे कुछ ठीक से नहीं पता। मन ऐसे में तुम्हें बाबूजी से पूछताछ करनी चाहिए थी। मुझे बात करें? अरे मैं ऐसे में उनसे पूछताछ करता तो उनको शर्मिंदा करना हो जाता और फिर वहां जाकर कहता क्या? लेकिन ये मन बहुत बुरा हुआ है, पता नहीं किस आदमी के चक्कर में पड़ के उनकी बेटी ने यह कदम उठाया है। तुम तो उनकी बेटी से मिले होगे ना? मैं क्यों मिलूंगा उससे? इतने सालों से वहां कंपाउंडर की नौकरी कर रहे हो। अरे तो कंपाउंडर की नौकरी मैं उनके डिस्पेंसरी में करता हूँ, घर में नहीं। लेकिन घर पे कभी आना जाना हुआ होगा, मुलाकात तो हुई होगी ना? हाँ एक आध बार गया था घर, तो मुलाकात हुई। अंतिया वो देखने में ऐसी लगती है। अब मैं क्या जानू? हाँ वैसे भी किसी के चेहरे पे थोड़ी ना लिखा होता है। अब तुम क्या करोगे? मैं क्या करूंगा मतलब? मेरा मतलब कि तुम अपने बारे में बात कब करोगे? आज गया था बात करने तो ना सब कुछ सुनने के बाद मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ी। सोचा इतनी परेशानी और तनाव के माहौल में बाबूजी से अपनी बात क्या छेड़ू, इसलिए चुपचाप चला आया। सुबह देखता हूँ। ठीक है तुम चेंज कर लो, मैं खाना लगाती हूँ। Yeah.